हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के किंगडम सेकंड, जो कि प्रोटिस्टा किंगडम है, उसके बारे में। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट किया था। मोनेरा किंगडम के अंदर आप लोगों को पता है कि सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो रखे गए थे। सारे के सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑल द बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, यानी कि वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लस उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि उनका जो डीएनए होता है, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड होता है, उसके अंदर कैसे होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा होता है, यानी फैला हुआ सा पड़ा होता है। इसी के साथ ही उनके अंदर क्या होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेलीज है, यानी सेल्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ये सारे एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, तो वो सारे के सारे जो थे वो मोनेरा में आ रहे थे। आज जो हम किंगडम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटिस्टा, उसके अंदर भी आएंगे तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ही, यानी कि सिंगल सेल वाले ही ऑर्गेनिज्म आएंगे इसके अंदर। बट उनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उनके अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसलिए क्या है, ये सेल्स यूनिसेल्युलर है, ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर है। इसी के साथ ही ये यूकैरियोटिक भी है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखा रखे। देखो ये अमीबा दिखा रखा है, यहाँ पर मैंने यूग्लिना दिखाया हुआ है, ये पैरामीशियम है, ये इसके मेंबर्स है, क्लेमाइडोमोनास है। तो सिंगल सेल वाले, जो सिंगल सेल है और जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, यानी वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनको प्रोटिस्टा में रखा जाता है। ठीक है ना, तो देख लो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो सबके अंदर है, न्यूक्लियस सब में है, यानी सब जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है, कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के बारे में कैसे होते हैं। देखिए, इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। यानी कि ये जो किंगडम है इसके अंदर तीनों, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी, इनकी तीनों की कनेक्टिव लिंक मिलती है। सर इससे मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्लांट लाइक बिहेवियर दिखाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एनिमल लाइक बिहेवियर दिखाते हैं, और थर्ड टाइप के जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म कहना ज्यादा सही रहेगा, जो थर्ड टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फंगस के जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि नहीं ये तो प्लांट्स के जैसे हैं, कुछ कहते हैं नहीं नहीं ये तो एनिमल्स के जैसे हैं, और कुछ कहते हैं नहीं नहीं ये तो फंगस के जैसे हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस जो है वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है। ठीक है, एनसीईआरटी भी ये लिखती है कि इसकी लिमिटेशंस जो है वो थोड़ी सी अभी तक भी डिसाइड नहीं हो पाई है। वो ये कहते हैं कि कुछ के लिए प्लांट्स है, कुछ के लिए एनिमल्स है, और कुछ के लिए फंगस। तो सर प्लांट लाइक कैसा है, मतलब प्लांट लाइक का मतलब ये होता है कि वो फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं अपना। तो प्लांट्स का ये तो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपना फूड बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना। और एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स लाइक बिहेवियर से क्या मतलब है, एनिमल लाइक बिहेवियर से ये मतलब है कि वो अपना खुद फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं और वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। और जो फंगी होते हैं उसके बिहेवियर कैसा होता है, फंगस का बिहेवियर आपको पता है, फंगस जो होती है वो सैप्रोफाइट होती है। सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होती है ना उसको डिके करके, ठीक है ना, उसको डिकेइंग करके फिर उससे अपना न्यूट्रिशन लेती है, उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो सड़ी गली चीजें जो होती है उनसे जो अपना न्यूट्रिशन लेता है दैट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो फंगस के जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। तो ये तीनों के बीच की कनेक्टिव लिंक है, इसके कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लांट के जैसे, कुछ एनिमल्स और कुछ फंगस के जैसे होंगे। ये लाइन समझ में आई, ठीक है। हाँ, होंगे सारे के सारे यूनिसेल्युलर, होंगे सारे के सारे यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक, ठीक है ना, ध्यान रखना। दिस किंगडम इंक्लूड्स यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली एक्वाटिक सेल्स। यानी इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर होते हैं, और मोस्टली कहां पाए जाते हैं, एक्वाटिक, यानी कि पानी में मिलते हैं। ठीक है, वो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और वो मैराइन वाटर में भी हो सकते हैं। मैराइन वाटर का मतलब क्या होता है, सी वाटर, यानी समुद्र का पानी। They have membrane bounded organelles, बिल्कुल होते हैं, membrane bounded organelles होते हैं, such as nucleus with chromosomes enclosed a nuclear membrane, यानी कि उसके क्रोमोसोम, यानी डीएनए जो है या क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है ना, जैसे ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, यहां पर इसका डीएनए है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, और क्लोरोप्लास्ट किन में मिलते हैं, देखिए इसने लिखा हुआ भी है, इन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स ओनली, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि जो प्लांट्स के जैसे बिहेवियर दिखाएंगे, सिर्फ उन्हीं के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, बाकियों में नहीं मिलते। इसके अलावा गॉल्जी बॉडीज जो होती है वो हो सकती है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकती है, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जो एक यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होता है ना, उसको भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर पांच तरह के ग्रुप्स आते हैं, दैट आर ट्राइसोफाइट्स। ट्राइसोफाइट्स में कौन कौन आता है? डायएटम्स एंड गोल्डन एल्गीज आते हैं, जिनको हम डैसमिड्स भी कहते हैं। ठीक है ना, बताऊंगा क्या होते हैं। उसके बाद आता है डायनोफ्लाजिलेट्स, फिर आते हैं यूग्लिनॉइड्स, फिर आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, और फिर आते हैं प्रोटोजोन्स, दैट आर यूनिसेल्युलर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो यहां पर ये जो पांच ग्रुप्स बनाए गए हैं, मैं बताता हूं आपको, इसके अंदर जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये जो होते हैं, ये तो होते हैं प्लांट्स लाइक। इसका मतलब क्या है सर? इन तीन ग्रुप्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, वो सारे के सारे कैसे होंगे? फोटोसिंथेसिस करने वाले होंगे। ठीक है ना, उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ नंबर पे जो स्लाइम मोल्ड्स होता है, ये फंगी लाइक होते हैं, ये फंगस के जैसा होता है। फंगस के जैसा होने का मतलब यह है कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसके ऊपर ग्रो करते हैं और डिकम्पोज करके फिर न्यूट्रिशन लेते हैं। और लास्ट वन, द फाइव जो होता है, फिफ्थ नंबर पे जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी कि उनको बोलते हैं प्रोटोजोन्स। ये कैसे बिहेवियर दिखाते हैं? ये एनिमल लाइक बिहेवियर दिखाते हैं। एनिमल लाइक बिहेवियर, ठीक है ना, सही कर देते हैं इसको एक बार, ये एनिमल लाइक, ये एनिमल लाइक बिहेवियर दिखाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लांट्स के जैसे, यानी क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं, वो प्लांट्स जैसे बिहेवियर दिखाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं, मोल्ड्स वर्ड ही किसके लिए आता है? फंगस जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए आता है। ठीक है ना, मोल्ड फंगस को भी बोलते हैं, तो फंगस लाइक जो है वो बिहेवियर दिखाते हैं। और जो प्रोटोजोन्स होते हैं, ये एनिमल लाइक बिहेवियर दिखाते हैं। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं, उसके अंदर पांच तरह के ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, अब इन पांचों तरह के ग्रुप्स को हम एक एक करके देखेंगे कैसे होते हैं। उससे पहले कुछ और जनरल कैरेक्टर्स बताता हूं मैं आपको। न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा के अंदर न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसे होता है, यानी अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो इनके अंदर अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बार बार एनिमल्स नाम आता है, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, इनमें न्यूट्रिशन भी अलग अलग तरीके का हो सकता है ना। तो अलग अलग कैसे न्यूट्रिशन होगा, देखो, नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, अब आपको पता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात चल रही है, इसका मतलब वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं। ठीक है ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मोस्ट ऑफ देम आर द फोटोसिंथेटिक, क्योंकि अभी भी देखा है अपनों ने, पांच ग्रुप में से तीन ग्रुप तो कैसे हैं? फोटोसिंथेसिस वाले हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ओके, दे फॉर्म चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन ओशंस एंड फ्रेश वाटर। यानी कि जनरली क्या करते हैं, ओशंस और फ्रेश वाटर जो होते हैं उनके अंदर मिलते हैं, और ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब फूड बनाते हैं, ये फूड सिंथेसाइज करते हैं। जो अपना फूड खुद बना सकते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं। ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल है डायनोफ्लाजिलेट्स और डायएटम्स जो होते हैं, ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस के अंदर, यानी समुद्रों में ये अच्छा खासा फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद होता है दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। आपको पता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? किसी सॉलिड फूड को अपने अंदर इनटेक करना और उसके बाद अपनी बॉडी में उस चीज को डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट करने के बाद उसका यूज करना, उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन दिखाता है? दैट आर ज़ूप्लैंक्टन्स आर द मोस्टली प्रीडेटरी। ठीक है, ज़ूप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं? प्रीडेटरी, मतलब किसी का शिकार करते हैं। ठीक है, दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज इन अमीबा। जैसे अमीबा हो सकता है, अमीबा जो होता है वो क्या कर सकता है? अमीबा जो होता है वो अपना सॉलिड फूड इंटेक करता है, सॉलिड फूड इंटेक करने के बाद वो उसको अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। देखिए ये अमीबा है, ठीक है ना, ये अमीबा है, ये अमीबा के बाहर की तरफ मान लो कोई फूड पार्टिकल है, ये दैट्स अ फूड पार्टिकल। तो ये करेगा क्या, आपको पता है? ये स्यूडोपोडिया बनाता है। स्यूडोपोडिया जो होता है, ये आपने टेंथ में पढ़ा होगा, ये कुछ ऐसे पाव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और ये अपने इस फूड को अंदर ले लेता है। तो यहां पर ये ऐसे स्यूडोपोडिया बनाएगा, और स्यूडोपोडिया बना करके क्या करता है, ये उस चीज को अंदर ले लेता है, फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है। तो ये फूड पार्टिकल जो होता है वो अमीबा के अंदर यूं पैक हो जाता है, ये उसके अंदर यूं पैक हो जाता है।
और जब ये पैक हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल करके उसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। तो बताओ क्या बाहर से सॉलिड फूड लेकर के उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया गया ना? हाँ ऐसा किया गया। तो इस मोड को, इसको हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, देखिए इन दिस मोड इंडिविजुअल कैप्चर्स एंड इंजेस्ट द फूड लाइक एनिमल्स। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं ये इंजेक्ट करते हैं, यानी अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं फूड को, ठीक है, और एनिमल्स के जैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं। एग्जांपल है मैनी प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं वो ऐसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं, पैरामीशियम में आगे दिखाऊंगा। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस मोड ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। यानी क्या होता है, यहां पर क्या होता है, जो सड़ी गली चीजें होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उससे क्या किया जाता है, फूड जो होता है या न्यूट्रिशन जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। एग्जाम्पल इसका स्लाइम मोल्ड्स, आपने देखा था स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो फंगस के जैसा बिहेवियर दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब ये होता है कि किसी होस्ट के ऊपर रह करके या किसी होस्ट के अंदर रह करके अपना न्यूट्रिशन लेना। सर होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जिस एनिमल के या जिस और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा उसको जो एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन देगा उसे, ठीक है ना, उसको होस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, जैसे लाइस, लाइस है ना, जू, लाइस जो होती है वो हमारे बालों में रहती है, ठीक है ना। तो लाइस जो होती है वो हमारे बालों में रह करके करती क्या है, वो हमारा ब्लड जो होता है वो ब्लड सक करती है, ठीक है ना, हमारे बालों में रह करके हमारे बालों की जो स्कैल्प होती है, सिर की जो त्वचा होती है उससे ब्लड सक करती है। तो ये जो लाइस हुई, जून जो हुई, ठीक है ना, वो क्या होगी, वो पैरासाइट होगी, और उस लाइस के लिए हम जो है वो हो गए होस्ट, ठीक है ना, क्योंकि वो हमसे न्यूट्रिशन ले रही है ना। तो वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन देता है वो होस्ट है, ठीक है ना, और जो लेता है वो पैरासाइट है, ठीक है ना। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सम प्रोटिस्ट आर पैरासाइटिक, ठीक है, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम एंड एंट अमीबा, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स जो है वो आगे आ जाएंगे, ये सब एग्जाम्पल्स जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे ना उसके अंदर बताऊंगा। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो, जिसमें हैलोफाइटिक प्लस होलोजोइक या सैप्रोब्स जो न्यूट्रिशन होता है वो देखा जाता है। इसका मतलब क्या है, हैलोफाइटिक का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, और होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जो एनिमल के जैसे अभी मैंने दिखाया था ना, जो अमीबा जो होता है सॉलिड फूड इनटेक करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो न्यूट्रिशन जो है वो उस फूड को डाइजेस्ट करके फिर लेता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, हैलोफाइटिक का मतलब फोटोसिंथेटिक और होलोजोइक का मतलब ये होता है कि एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब ये होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ एनिमल के जैसा न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं। हाँ ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म है जैसे देखो युग्लिना, युग्लिना अ प्रोटोजोन हैज अ टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उसके पास दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज ऑटोट्रॉपिक एंड द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इट इज अ हेटरोट्रॉपिक। यानी कि जब सनलाइट होगी तब तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाएगा, लेकिन कभी अगर उसको लाइट ना मिली, ठीक है ना, किसी भी कारण की वजह से अगर उसको लाइट ना मिली तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी एज अ फूड इंटेक कर सकता है। हालांकि छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इससे भी छोटे होते हैं उनको वो एज अ न्यूट्रिशन के तौर पे खा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दो है कंडीशन अप्लाई है, यहाँ पे लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाएगा, और अगर लाइट नहीं मिलेगी, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इट इज हेटरोट्रॉपिक, करेक्ट। तो यहाँ पर अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दिखाए जाते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट, यानी कि ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने नंबर कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इनके अंदर दो मोड का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअली और दूसरा होता है सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दे रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तीन तरह के तरीके आते हैं, तीन तरह के मेथड्स आते हैं। नंबर फर्स्ट इज अ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, एक सेल जो होती है वो आगे चल करके दो डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रोसेस जो होता है इसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं, करेक्ट। दूसरा मल्टीपल फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक सिंगल सेल जो होती है वो आगे चल करके मल्टीपल सेल्स बनाती है, मल्टीपल सेल्स बनाती है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर एक सेल जो होती है उस सेल के अंदर उसके अंदर छोटे 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 क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, ये बन गए स्पोर्स, ठीक है ना। उसके बाद ये सेल जो होती है वो बस्ट हो जाती है यानी फट जाती है, और जब सेल फट जाती है तो ये सारे के सारे स्पोर्स जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ओके, जब सारे के सारे स्पोर्ट्स बाहर निकलते हैं उसके बाद ये पुरानी वाली जो सेल जो होती है वो तो मर जाती है, और हर एक स्पोर जो होता है, हर एक स्पोर जो होता है वो आगे चल करके नई सेल बनाने का काम करता है, ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो ये तीनों ही मेथड जो होते हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के होते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से आपका क्या मतलब है सर? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ये मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ एक सेल या एक ही पेरेंट जो होता है वो अपने नई ऑफस्प्रिंग्स जो होती है वो बना सकते हैं। यहां पर कभी देखा क्या आपने कि यहां पर कोई दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल फीमेल जैसा कुछ कुछ भी नहीं है। यहां पर एक सिंगल सेल जो है वही आगे चल करके अपने नंबर बढ़ा रही है। तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमिट्स चाहिए होते हैं, मेल गैमिट फीमेल गैमिट। जब मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो उसके बाद एक सेल बनेगी जिसको जाइगोट कहते हैं। अब जाइगोट जो होता है ना वो आगे चल करके न्यू इंडिविजुअल जो है उसको बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो मेल गैमिट होते हैं ना वो मेल्स में बनते हैं, और फीमेल गैमिट जो होता है वो फीमेल्स में बनती है। फीमेल की बॉडी अलग हो सकती है और मेल की बॉडी भी अलग हो सकती है। तो यहाँ पर हमें दो पेरेंट्स चाहिए ना, या दो तरह की सेल्स चाहिए, तो वो जो होता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। और जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल सेल या एक ही पेरेंट सेल जो होती है वो अपने आगे डॉटर सेल्स बना सकती है, उसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, करेक्ट। इसके बाद देखिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, बताया था ना। तो ऐसे रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर देखा जाता है। तो यहां पर क्या हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो सकते हैं। इसके बाद इसका फर्स्ट ग्रुप देखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं ना इसके अंदर दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यहां दे भी रखा है। इन दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गीज जिनको हम डैस्मिड्स भी कहते हैं। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, ध्यान रखना, डाई एटम्स दे रखे हैं और गोल्डन एल्गीज जिनको हम डैस्मिड्स बोलते हैं वो दे रखे हैं। एनसीईआरटी में डैस्मिड्स के बारे में सिर्फ दो लाइनें दे रखी है स्टार्टिंग की, और कुछ भी नहीं दे रखा, बाकी जितनी भी डिटेल्स दे रखी है वो सब डाई एटम्स की दे रखी है। ये बोलते हैं दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ओके, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, एज वेल एज इन मैराइन एनवायरमेंट्स, यानी कि ये मैराइन एनवायरमेंट्स में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। ये इनका हैबिटेट है, यानी कि उन जगहों पर रहते हैं। ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिखा रखा है ये गोल्डन एल्गी का है, जिनको हम क्या बोलते हैं, डैस्मिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर देखो, इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। ये गोल्डन एल्गी, ये गोल्डन एल्गी, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल सीधी सी बात है, सिंगल सेल होती है तो माइक्रोस्कोप से दिखेगी, हमें नेकेड आईज से तो नहीं दिखते ये, ठीक है। एंड फ्लोट पैसिवली इन वॉटर करंट्स, जिनको हम बोलते हैं प्लैंकटॉन। आपको पता है अगर कोई भी चीज जो होती है वो पैसिवली वॉटर करंट के साथ फ्लो करती है, ठीक है ना, पानी की सरफेस पे, और जैसे पानी फ्लोट कर रहा है वैसे वैसे वो ही फ्लोट करती जा रही है, तो उनको हम प्लैंकटॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये जो सेकंड डायग्राम आपको दे रखा है वो सेकंड डायग्राम जो है वो डाई एटम का है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये इतना ही दे रखा है कि जो गोल्डन एल्गीज जो होती है वो मैराइन वाटर फ्रेश वाटर जो होता है उनमें मिलती है, फोटोसिंथेसिस करती है, इनके बारे में बस इतना ही दे रखा है। उसके बाद दे रखा है डाई एटम्स के बारे में। डाई एटम्स, डाई एटम शब्द जो आया है वो आया, डाई का मतलब होता है दो, एटम्स का मतलब होता है पार्ट एक तरीके से। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके ऊपर जो कवरिंग है वो ऐसे दो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी हुई है, अभी भी दिख रही होगी आपको, ठीक है ना, एक ऊपर वाली कवरिंग और एक नीचे वाली कवरिंग दिख रही है। तो ये डायएटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए, डायएटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। आपको पता है इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो ऐसे लगती है कि जैसे कोई साबुनदानी होती है ना, साबुन की डिब्बी होती है। साबुन की डिब्बी में क्या होता है, देखिए उसके अंदर क्या किया जाता है, अगर एक साबुन की डिब्बी ऐसे उसके ऊपर जो कवर लगता है वो कुछ ऐसे लगता है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स की जैसी होती है और एक दूसरे के अंदर ऐसे फिट होती है, ओवरलैप होती है। देखो यहाँ पे ओवरलैप भी कर रही है एक दूसरे को, ठीक है ना।
तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो ऐसी होती है, द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, ठीक है, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल, ये एनसीईआरटी वर्ड लेती है इनडिस्ट्रक्टेबल, इसके अंदर क्या होता है, इनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिलिका जब प्रेजेंट होता है तो ये सेल वॉल्स जो होती है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, इसका मतलब होता है कि वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो सकती, तो अंदर का जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो तो अपने टाइम के साथ मर जाता है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ उसकी कवरिंग रह जाती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। देखिए देखिए क्या है, अंदर की तरफ ये इसकी सेल वॉल, ठीक है, मैं बना देता हूं यहां पे, ये इसकी सेल वॉल है, ओके, और इसके अंदर की तरफ मान लो यहां पर इसकी सेल मेम्ब्रेन तो होगी ना, सेल मेम्ब्रेन होगी, फिर इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होगा, ये इसका न्यूक्लियस है, इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा या और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो होंगे। आपको पता है एक सेल जो होती है, एक सेल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही जिंदा रहती है, उसके बाद वो सेल मर जाती है, वो डेड हो जाएगी, ठीक है ना, ये तो एक तरीके से देखा जाए तो नेचर का रूल है, ठीक है ना, कभी ना कभी कोई ना कोई सेल जो है वो हमेशा मरेगी, तो अगर मान लो सेल मर जाती है तो उसके पीछे की तरफ क्या रह जाएगी, सिर्फ उसकी सेल वॉल रह जाएगी, और उसकी सेल वॉल के ऊपर क्या है, सिलिका, अब उसके ऊपर सिलिका है तो वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी वो बहुत जल्दी क्या हो सकती है, डिकम्पोज नहीं हो सकती है, ठीक है, तो उसके बाद सेल जो होगी वो तो डेड हो जाएगी, तो अंदर वाला तो सारा मटेरियल जो होगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल जो है वो रह जाएगी, तो जब सेल वॉल रह जाती है तो वो धीरे 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 सेल वॉल जो होती है वो उस जिस जगह पर भी है, चाहे वो समुद्रों में है या किसी तालाब में या फ्रेश वाटर में है, तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बॉटम की तरफ बैठने लगती है। Thus the diatoms have left behind a large amount of cell wall deposits in their habitat. तो जिस जगह पर वो रहते हैं उस जगह पर क्या करते हैं, वो सेल वॉल छोड़ते जाते हैं, क्योंकि सेल्स तो मरती जाती है उनकी। This accumulation over the billions of years, यानी कि ये नहीं कि एक दो साल, billions of years में अगर ये काम होता रह रहा है, diatoms मरते जा रहे हैं और उनकी सेल वॉल जो है वो नीचे की तरफ बैठती जा रही है। Billions of years, it is referred to as a diatomaceous earth. यानी कि यहां पर बोलते हैं कि ये सेल वॉल जो है अगर वो billions years से नीचे की तरफ बैठती जा रही है, बॉटम में बैठती जा रही है, तो वहां पर क्या होगा, वो एक सॉइल का फॉर्म ले लेगी, वो जो सॉइल होती है ना उसका फॉर्म ले लेगी, और उस सॉइल को हमने बोला कि diatomaceous earth है वो, ठीक है ना, एकदम क्या होती है, रफ सी होती है। Being a gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups, ठीक है, उसके बाद ये gritty होती है, gritty का मतलब क्या होता है, इसे दानेदार होती है, gritty होती है, खुरदरी सी होती है, इसके लिए इसका यूज किया जा सकता है किसी चीज को पॉलिश करने में। आपको पता है ना सैंड पेपर, आपने सैंड पेपर देखा है कभी, सैंड पेपर, ठीक है ना, जब दीवारों पे कलर किया जाता है ना उससे पहले सैंड पेपर से उसको साफ किया जाता है, ठीक है ना, तो सैंड पेपर क्या होता है, एक तरफ से बहुत रफ होता है और एक तरफ से नॉर्मली होता है, तो वो रफ होता है, तो वो रफ होता है इस कारण से क्या करते हैं, हम उसको दीवार पे रगड़ने के लिए यूज में लेते हैं ताकि दीवारें जो है वो साफ हो जाए एक बार के लिए, ठीक है ना, तो वैसे ही किसी चीज को पॉलिश करने के लिए ना हम किसी ग्रिटी चीज का यूज करते हैं, किसी खुरदरी चीज का यूज करते हैं ताकि उसमें चमक आए, तो पॉलिश करने के लिए यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है ऑयल और सिरप्स का। आपको पीछे देखो इसके ऊपर क्या दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, तो इस सॉइल का बहुत सारी जो सॉइल होगी उसका यूज किया जाएगा किसी चीज को फिल्टर करने के लिए, तो अगर ऑयल होगा या सिरप होगा तो वो क्या होगा, इन छेद से होकर के निकल जाएगा, लेकिन अगर कोई इम्प्योरिटी होगी तो वो तो यही रह जाएगी ना, और इसके छेद बहुत छोटे होते हैं, तो कोई लिक्विड जो होता है वो तो इसके आर पार निकल जाता है, ठीक है, लेकिन कोई इम्प्योरिटीज जो होती है वो यही बीच में अटक जाती है, तो क्या हो गया, फिल्ट्रेशन होगा किसी चीज का, तो ऑयल या सिरप्स जो होते हैं उनके फिल्ट्रेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद डायएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, ओशंस के अंदर ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं और अच्छा खासा फूड सिंथेसाइज करते हैं, ये है डायएटम्स, ठीक है, तो जो क्राइसोफाइट्स हैं, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उनके अंदर कौन आते हैं, दो आते हैं, गोल्डन एल्गीस, ये दिखा रखे गोल्डन एल्गीस मैंने, और डायएटम्स, डायएटम्स ये होते हैं, तो यहाँ पे ये क्राइसोफाइट्स जो होता है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनो वही बात है, डाइनो वर्ड आया दो के लिए, फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स वर्ड आया फ्लैजिला के लिए, इसका मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर दो फ्लैजिला होंगे। ध्यान रखना अभी तक हम जो प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना, तो अपने दिमाग में ये रखना कि ये जो ऑर्गेनिज्म सही क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ सिंगल सेल है,
सिर्फ एक सिंगल सेल है और उसके अंदर ये सारा जो मटेरियल है या जो सारा मामला है वो चल रहा है। ये ऑर्गेनिजम्स को देख करके यूं मत समझना कि सर ये बहुत बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे ये वो ऐसा करके, ना ना ऐसा कुछ नहीं होता, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स है ये सारे, ठीक है ना। क्यों? प्रोटिस्टा में आ रहे हैं तभी तो सिंगल सेल वाले हैं। आगे चलिए, डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स क्या होता है? देखिए, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। तो देखो, आपने जैसे क्राइसोपाइट्स पढ़ा था ना, क्राइसोपाइट्स में अपनों ने क्या पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में एज वेल एज मैराइन वाटर में मिलते हैं, लेकिन यहां पर जो मिलते हैं वो मोस्टली कहां मिलते हैं? वो मैराइन वाटर के अंदर मिलते हैं, और फोटोसिंथेटिक तो वो है ही, ठीक है। दे अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल्स। यानी कि इनकी सेल्स के अंदर क्या हो सकते हैं? अलग अलग पिगमेंट्स हो सकते हैं। पिगमेंट्स क्या होता है सर? पिगमेंट्स जो होते हैं वो कलर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसी भी सेल को कलर देने का काम करते हैं। तो इनके अंदर जो अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं उसके बेस पर इनकी सेल्स का कलर जो होता है वो भी अलग अलग हो सकता है। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड भी हो सकता है इनका कलर, डिपेंड करता है कि उनकी सेल्स में पिगमेंट्स कैसे हैं। द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेल्युलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। यानी कि इनके ऊपर क्या होता है, एकदम कड़क सेल्यूलोज की स्ट्रिप्स मिलती है इसकी सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फोरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। देखिए, इनके ऊपर दो फ्लैजेला होते हैं, ठीक है, दो फ्लैजेला होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडिनली होता है और एक इसकी सेल वॉल के अंदर एक फोरो होती है। फोरो का मतलब क्या होता है? एक खांच होती है। ये देखो, ये दूसरा फ्लैजेला दिखा रखा है, एक फ्लैजिला यहां दिखा रखा है यूं और दूसरा फ्लैजिला इस तरफ से दिखा रखा है। तो दो फ्लैजिला होते हैं, दोनों 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। एक डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं कैसे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये कुछ ऐसे होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स जो है, ये इसके अंदर की सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की सेल मेम्ब्रेन है और यहां से निकलते हैं ये फ्लैजिला। एक फ्लैजिला यहां से निकलता है और एक फ्लैजिला यू निकलता है। तो एक इस ग्रूव से, यानी कि ये जो सेल वॉल है ना, ये रेड कलर की जो मैंने बनाई है, ये सेल वॉल है, ये ऐसे ऐसे लगी हुई है, ठीक है ना, इसे पैक की हुई है इसको, और ये नीचे से पैक की हुई है। तो ये ग्रूव है, ये बीच में एक खांच बनी हुई है, इस खांच से निकल रहा है एक फ्लैजिला और एक फ्लैजिला यू लॉन्गिट्यूडिनली निकलता है ऊपर की तरफ। तो दो फ्लैजिला होते हैं और इसकी सेल वॉल के ऊपर ऐसे सेल्यूलोज की स्ट्रिप प्लेट्स होती है। तो मैं यहाँ पर प्लेट्स जैसी या स्ट्रिप्स जैसी चीजें बना देता हूँ, ये पट्टियां बना देता हूँ मैं, और ये जो स्ट्रिप्स होती है वो किसकी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ये सेल्यूलोजिक स्ट्रिप्स होती है ऐसे। तो उसकी सेल वॉल के ऊपर सेल्यूलोज की हार्ड स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। ये इसके फ्लैजिला हो गए, ये इसकी ग्रूव हो गई, ये इसकी सेल वॉल हो गई और ये सेल वॉल के ऊपर प्लेट्स हो गई। उसके बाद देखिए, ये लिखा, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फोरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। उसके बाद देखिए, वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गोनियोलेक्स, ये ऑर्गेनिज्म है जो रेड कलर का होता है, ठीक है ना, रेड डायनोफ्लैजिलेट है ये, अंडरगो सच अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर्स रेड, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रेड टाइड्स। यानी कि ये बोलता है कि रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो सेल बहुत जल्दी डिवाइड करवाते हैं, और क्योंकि वो रेड कलर के होते हैं तो वो ओशन के अंदर जिस जगह पर वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं ना, उसके आसपास का एरिया जो होता है ना, उसके आसपास का जो पानी होता है वो रेड कलर का दिखने लगता है, और उस फिनोमिना को रेड टाइड बोलते हैं, ठीक है ना, उसको रेड टाइड बोलते हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस है, ठीक है ना। ये बोलता है कि जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं ना, जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और वो टॉक्सिन जो होता है वो पानी के अंदर आ जाता है। अगर उस टॉक्सिन के कॉन्टेक्ट में अगर कुछ फिशेस या कोई दूसरे मैराइन ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो वो मर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको भी मार देते हैं ये टॉक्सिन। इसीलिए पता है क्या, जहां पर रेड डायनोफ्लैजिलेट्स ग्रो कर रहे होते हैं ना, वहां पर उनके आसपास फिशेस वगैरह जो होती है ना वो आती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो है अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, टॉक्सिन रिलीज करेंगे, उसके कॉन्टेक्ट में आने पर फिशेस मर सकती हैं।
तो ये होते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। हमने अभी तक क्या देखे, दो ग्रुप्स देखे, नंबर फर्स्ट क्राइसोफाइट्स एंड नंबर सेकंड डायनोफ्लैजेलेट्स। क्राइसोफाइट्स कहां मिल रहे थे, फ्रेश वाटर में और मेराइन वाटर में मिल रहे थे। फोटोसिंथेसिस कर रहे थे क्या, हाँ फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। ये भी ये कहां मिलते हैं, ये मेराइन वाटर में मिलते हैं मोस्टली। क्या ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, हाँ बिल्कुल फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये येलो ब्लू ब्राउन ग्रीन ठीक है या रेड कलर तक के भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है इनके पिगमेंट्स के ऊपर ठीक है। तो दो समझ में आए ग्रुप्स ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, थर्ड, जिनको हम यूग्लिनॉइड्स कहते हैं। ये यूग्लिनॉइड्स ग्रुप जो होता है ये भी फोटोसिंथेटिक ग्रुप है। अपन ने देखा था ना फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीन ग्रुप्स जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर। ये बोलता है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यहाँ पर कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे। देख लो फर्स्ट वाले में दे रहा था फ्रेश वाटर मैराइन वाटर दोनों में, सेकंड जो ग्रुप था डायनोफ्लैजेलेट्स वो सिर्फ मैराइन वाटर में, और जो थर्ड है यूग्लिनॉइड्स वो कहाँ मिल रहे हैं, फ्रेश वाटर के अंदर मिल रहे हैं। ओके, दे आर फाउंड इन अ स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ पानी, ऐसा नहीं कि नदियों में नहीं, जो तालाब होते हैं पॉन्ड्स होते हैं लेक्स होती हैं झीलें जो होती हैं उनके अंदर मिलते हैं ये यूग्लिनॉइड्स। ओके, inserted of a cell wall they have a protein rich layer called pellicle, bahut important hai. inke upar cell wall ki jagah ye bolta hai ki iske upar ki taraf ek protein ki layer milti hai jisko hum bolte hai pellicle. ye pellicle protein ki layer hai which makes their body flexible, aur ye protein ki layer jo hoti hai wo iski body ko kya banati hai, flexible banati hai. okay, they have a two flagella, a short and a long one. इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है। देखो ये एग्जांपल मैंने दिखा रखा है यूग्लिना का, ये यूग्लिना है जो इसका मेंबर है ठीक है। यूग्लिना ये वही है कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब लाइट मिलेगी तब फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन जब लाइट नहीं मिलेगी तो वो हाइटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो यहाँ देखो इसके फ्लैजिला को दिखा रखा है, ये एक बड़ा सा फ्लैजिला दिखा रखा है और यहाँ अंदर की तरफ एक छोटा सा फ्लैजिला दिखाया हुआ है। देखिए छोटा फ्लैजिला दिखा रखा है, तो जो बड़ा फ्लैजिला और छोटा फ्लैजिला दो होते हैं इसके ऊपर। बड़ा फ्लैजिला जो होता है वो क्या काम करता है, बड़ा जो फ्लैजिलम होता है ये मोशन में हेल्प करता है, पानी के अंदर होता है मोस्टली फ्रेश वाटर में होता है तो वहां पर मोशन में हेल्प करेगा। और जो छोटा फ्लैजिला होता है वो छोटा फ्लैजिला किसी भी फूड पार्टिकल को इनटेक करने में, उसको अंदर लेने में हेल्प करेगा, करेक्ट। यहाँ पर देखो कुछ ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखा रखी है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। आगे देखते हैं इसके और चीजें, ट्रू दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स बाय द प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स व्हेन डिप्रूव्ड ऑफ सनलाइट। अगर बाय चांस इनको सनलाइट ना मिले तो ये हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए आपको पता है क्या, ये जो यूग्लिना होता है ना इसको हम बोल सकते हैं, इनको हम बोलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है ये। कनेक्टिव लिंक का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव लिंक का मतलब ये होता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म में किसी दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर अगर मिलते हैं तो उनको हम बोलते हैं कनेक्टिव लिंक है वो, ठीक है ना। तो यूग्लिना जो है या यूग्लिनॉइड्स जो है वो कनेक्टिव लिंक होती है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की। क्यों, क्योंकि वो प्लांट्स के जैसा बिहेवियर भी दिखाते हैं एज वेल एज कंडीशंस अप्लाई होने पर वो एनिमल्स के जैसा बिहेवियर भी दिखा सकते हैं, करेक्ट। इंटरेस्टिंगली देयर पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना, ये बोलता है कि इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं ना जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो पिगमेंट्स जो ग्रीन कलर देते हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं जैसे कि बड़े प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट्स हैं और यूग्लिना के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं जो दोनों ही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, दोनों सेम होते हैं, करेक्ट। तो यहां पर ये यूग्लिनॉइड्स जो है वो खत्म होता है। और इसी के साथ ही हमारे तीनों वो ग्रुप जो फोटोसिंथेटिक बिहेवियर दिखाते हैं वो खत्म होते हैं। इसका फोर्थ ग्रुप जो है मैं उसकी बात करता हूँ, स्लाइम मोल्ड्स जिसको हम बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले मोल्ड्स वर्ड उसके लिए आता है जो कि फंगस के जैसा बिहेवियर दिखाता है ना। स्लाइम मोल्ड्स आर अ सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है। ओके, इसका मतलब सड़ी गली ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये क्या कर सकते हैं, ग्रो करते हैं। देखो ये कैसे दिखाई देते हैं, सिर्फ सिंगल सेल वाले हैं, करेक्ट। इसके ऊपर सेल वॉल नहीं, सेल वॉल नहीं है, इसीलिए क्या है इसकी शेप जो है वो डिफाइनिंग शेप नहीं है, बिगड़ी हुई सी शेप है ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो भी देखो छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता, छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 या 15 के आसपास आया हुआ है, यानी कि ऐसा प्रोटिस्टा उन्होंने पूछा था नीट वालों ने कि ऐसा प्रोटिस्टा जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती,
ठीक है, और जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं और जिसके अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं उनके नंबर एक से ज्यादा होते हैं, तो बताओ वो कौन सा होगा? कौन सा होगा? स्लाइम मोल्ड स्टिक करना था उसको, करेक्ट। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड द लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो सड़ती गलती पत्तियां होती है, सूखे पेड़ जो होते हैं उनके साथ साथ क्या कर सकते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, धीरे 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 उनके ऊपर जाकर के वो उनको डिकम्पोज करते हैं और उनके साथ ग्रो करते हैं। अंडर द सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ओके, एग्रीगेशन का मतलब होता है साथ में जुड़ जाना, प्लाज्मोडियम, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट, जिसके बाद ये ग्रो करके कई फीट लंबा तक हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहां मैंने प्लाज्मोडियम दिखा रखा है। तो धीरे 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 क्या होता है, अगर एक किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, मान लो कोई पेड़ है, पेड़ का तना जो है, स्टेम जो है उसके ऊपर, या किसी लीफ के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो अगर फेवरेबल कंडीशन है उनकी, सर फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन का मतलब ये होता है कि वो लोग जो है उनको टेम्परेचर ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, प्लस उनके पास न्यूट्रिशन भी बहुत सारा है, तो ये कंडीशन जो होती है ये फेवरेबल कंडीशन होती है। ओके, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, देखो बता देता हूं फेवरेबल कंडीशन कैसे, जैसे मान लो ये लीफ है, ये लीफ है, ओके, ये उस लीफ के ऊपर ग्रो कर, ओके, जब ये ग्रो करेंगे, ये फेवरेबल कंडीशन अभी इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर क्या है, न्यूट्रिशन, इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है। मान लो यहां पर ये एक प्लाज्मोडियम है जो यहां ग्रो कर रहा है, ये दूसरा प्लाज्मोडियम है जो यहां ग्रो कर रहा है, तीसरा प्लाज्मोडियम है जो यहां ग्रो कर रहा है, ऐसे। तो जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये अपने नंबर बढ़ाएंगे और जुड़ करके ये ऐसे अटैच होते हैं और जुड़ करके एक लंबी सी स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये स्ट्रक्चर जो होती है वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गेनिक मैटर पर, मान लो कोई बहुत बड़ा सा पेड़ है कि उसके ऊपर ग्रो करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे तो ये कई फीट लंबे तक ग्रो कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम होता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। तो ये बोलता है देखो, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, ड्यूरिंग सुटेबल या फेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट, करेक्ट। अब उसके बाद बात करता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, देखो ये बोलता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। अब अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती है, मान लो न्यूट्रिशन खत्म हो गया उनके पास, सारा जितना भी था वो सारा का सारा क्या हो गया, खत्म हो गया, तो अब क्या करेंगे ये, अरे अब तो ये मर जाएंगे ऐसे तो बिना न्यूट्रिशन के। जब ये मर जाएंगे बिना न्यूट्रिशन के तो ये सोचेंगे, भैया मैं जो जा रहा हूं तो है ना, मैं ना अपने बच्चे बना के जाता हूं, है ना, क्योंकि दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म यही चाहता है कि उसकी कभी भी स्पीशीज खत्म ना हो। तो क्या होता है पता है क्या, जैसे ये प्लाज्मोडियम है, इसके पास अब न्यूट्रिशन नहीं है, ध्यान से, प्लाज्मोडियम है इसके पास न्यूट्रिशन नहीं, जब इसके पास न्यूट्रिशन नहीं है तो ये मर जाएगा। तो उससे पहले क्या करेगा पता है कि ये कुछ यू वर्टिकली ग्रो करती हुई स्ट्रक्चर्स बनाता है, ऐसे, ये ऐसे वर्टिकली ग्रो करती हुई स्ट्रक्चर्स बनाता है। जो वर्टिकली ग्रो करती हुई स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ओके, ये प्लाज्मोडियम है और ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, ये फ्रूटिंग बॉडीज है और इन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर लगे हुए थे स्पोर्स, ये बनाता हूं मैं स्पोर्स ऐसे, ये स्पोर्स है, ये स्पोर्स है, तो ये स्पोर्स बनाते हैं। और जब ये स्पोर्स बनते हैं उसके बाद क्या होता है, जैसे ही एयर करंट आती है, जैसे हवा आती है, ठीक है ना, मान लो यहां से हवा आई, जैसे हवा आती है तो ये स्पोर्स जो होते हैं उस हवा के साथ क्या होता है, उड़ जाते हैं और उड़ करके किसी दूसरे जो ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सड़ रहा होगा, डिके हो रहा होगा, उस ऑर्गेनिक मैटर पर जाकर के वो स्पोर्ट्स जो होते हैं वो बैठते हैं। जैसे ही वो स्पोर्ट्स वहां पर बैठते हैं, वहां पर उनको न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो जर्मिनेट होते हैं और ये नया स्लाइम मोल्ड जो होता है वो बनाते हैं और फिर से वहां ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वापस समझाता हूं, देखो, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। देख लो क्या इसके टिप के ऊपर स्पोर्स है क्या, ये देख लो इसके टिप के ऊपर स्पोर्स है, ये फ्रूटिंग बॉडीज है। उसके बाद देखिए, दीज स्पोर्स आर
प्रोसेस ट्रू वॉल्स, ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ना इनके ऊपर ट्रू वॉल्स होती है, यानी कि इनके ऊपर क्या होता है एक हार्ड कवरिंग मिलती है। जैसे मान लो बताता हूं आपको, ये जो स्पोर बनाया था ना मैंने, इसके ऊपर हार्ड कवरिंग मिलती है, ये एक हार्ड कवरिंग से कवर्ड होता है। सर क्यों कवर्ड होता है हार्ड कवरिंग से? कल को एयर करंट जो है उससे हो करके अगर वो बाहर कहीं गया या इधर उधर गया और बाय चांस उसको न्यूट्रिशन ना मिला तो वो कई सारे, या मैं कह सकता हूं कि काफी मंथ्स तक, ठीक है ना, अभी ईयर्स तो नहीं, कितने मंथ्स तक, कुछ मंथ्स तक क्या हो सकता है, वो रह सकता है जैसा है वो वैसा पड़ा रहता है, वो वेट कर सकता है अपनी फेवरेबल कंडीशंस का। अगर वो फेवरेबल कंडीशंस जो होती है अब वो नहीं मिलती है तो वो कुछ टाइम तक तो क्या हो सकता है, वो अपने इनएक्टिव फेज में पड़ा रह सकता है। तो फिर जैसे ही ये उड़ करके कहीं और गया और वहां उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली तो वहां ये जर्मिनेट करेगा और वहां ये जर्मिनेट करके क्या करेगा, नया स्लाइम मोल्ड बनाएगा। इसीलिए इसके ऊपर ट्रू वॉल्स होती है जो कि बहुत हार्श कंडीशंस जो होती है ना, या बहुत ही एक तरीके से देखा जाए कि अनफेवरेबल कंडीशंस जो होती है उसमें सर्वाइव करने में ये वॉल हेल्प करती है उसकी। देखिए, they are extremely resistant and survive for many years even under adverse condition. इसलिए इसके ऊपर क्या मिलती है, वॉल मिलती है, ठीक है। These spores are dispersed by air currents. और ये spores जो होते हैं वो air currents है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, फैल सकते हैं, ओके? यहां पर हमने स्लाइम मोल्ड्स जो है वो देखे और स्लाइम मोल्ड्स जो है वो यहां पर हमने खत्म किए, ओके? मैं बात करूं प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, तो उसके बारे में देखिए, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स, मतलब सारे के सारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, एंड लीव एज अ प्रीडेटर्स और अ पैरासाइट्स, यानी कि या तो वो प्रीडेटर की तरह काम करते हैं और या वो पैरासाइट की तरह किसी दूसरे के ऊपर, किसी की बॉडी के ऊपर रह करके उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, आपको पता है कि इन्हीं को सबसे पहले रिलेटिव माने जाते हैं एनिमल से। शुरुआत में ये माना जाता था कि ना, शुरुआत में सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स बने, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुए, वो मल्टी सेल्युलर वाले ऑर्गेनिजम्स उनसे डेवलप हुए, फिर मल्टी सेल्युलर बनते 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 हायर एनिमल्स और इवन यहाँ इंसान तक जो है वो इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो है वो इन्हीं से डेवलप हुए हैं। तो स्टार्टिंग जो हुई थी वो यहीं से हुई है ऐसा मानते हैं। They are four major groups of protozoans. Protozoans जो है उनको भी आगे four groups में divide किया गया है और वो four groups किस base पर बनाए गए हैं, ध्यान रखना, वो उनके locomotion के base पर बनाए गए हैं, यानी कि वो कैसे चलते हैं, उनके लिए motile structure कौन कौन सी है, किसकी help से वो चलते हैं, उसके base पर चार group बनाए गए हैं protozoa के भी, ठीक है ना, करेक्ट। आगे देखिए, अगर मैं बात करूं कि चार groups की, तो सबसे पहला group जो होता है वो पहला group आता है amoeboid protozoan का। अब अमीबॉइड प्रोटोजोन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सर ये अमीबा की बात करेगा, करेक्ट। आपको पता है ना, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है कि अमीबा जो होता है ना उसमें मूवमेंट कैसे होता है, अमीबा जो होता है वो स्यूडोपोडिया बना करके मूवमेंट करता है। देखिए, आपने देखा था ना कि जैसे ये अमीबा होता है, पढ़ते भी अपने कि अमीबा है, अगर बाहर की तरफ अमीबा के पास कोई फूड पार्टिकल है या इसको चलना भी है कैसे भी करना हो तो क्या होगा, यहां पर बाहर की तरफ क्या होगा, इसके स्यूडोपोडिया बनेंगे, यहां पर यू ये स्यूडोपोडिया बनाना स्टार्ट करेगा और ये स्यूडोपोडिया जो होता है वो आपस में फ्यूज हो जाता है और फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है। तो और जब ये चलता है ना तो चलने के दौरान भी क्या करता है, वो स्यूडोपोडिया बना के ही चलता है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि चलते हैं कैसे, स्यूडोपोडिया बना के चलते हैं, करेक्ट। देखिए, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन अ फ्रेश वाटर, ये बेसिकली मिलते कहाँ है, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। फ्रेश वाटर में कहाँ मिल सकते हैं सर, कोई जो तालाब है पॉन्ड में मिल सकते हैं, लेक में मिल सकते हैं, ठीक है, और सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। कभी कभी ये इसके कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो सी वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है ना, मोस्टली ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, इसके कुछ मेंबर्स सी वाटर में मिलते हैं और ये मॉइस्ट सॉइल जो होती है, गीली मिट्टी जो होती है, ठीक है ना, वहां पर भी मिल सकते हैं। They move and the capture their prey by the putting out pseudopodia, जिनको हम false feet भी बोलते हैं। इनको false feet इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो pseudopodia होते हैं ना, ये बनते रहते हैं और फिर खत्म होते रहते हैं, फिर बनते रहते हैं, जरूरत के हिसाब से pseudopodia बनते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है, pseudopodia की जब जरूरत होती है वो तभी बनता है, तो ऐसा लगता है कि ये पांव की तरह तो काम कर रहे हैं बट ये पांव परमानेंट नहीं है, ये फीट परमानेंट नहीं है, इसीलिए इनको false feet भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि अमीबा में
तो यहां पर क्या होता है, ये बोलता है कि चलते हैं या अपने प्रे को, यानी कि जिस चीज को उसको शिकार करना है, जिस चीज को उसको खाना है, इंटेक करना है, तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है, वो उसको इंटेक करते हैं। करेक्ट। मैराइन फ्रॉम्स हैव अ सिलिका शेल्स, ओके, यानी कि इसके ग्रुप वो मेंबर्स जो कि मैराइन फॉर्म में होता है, यानी कि जो समुद्रों में मिलते हैं, इसकी शेल के ऊपर क्या मिलती है हमें, सिलिका मिलती है ऑन देयर सरफेस, ठीक है। सम ऑफ देम सच एज द एंट अमीबा आर पैरासाइट्स, इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल है एंट अमीबा, इसका पूरा नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है वो अमीबा की एक स्पीशीज है, जैसे अमीबा है, ठीक है, ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे ये अमीबा सिंगल सेल वाला जो होता है वो ऐसा दिखता है। तो इसी का एक मेंबर है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है ना, ये अमीबा की एक स्पीशीज है। वो क्या करती है, वो पैरासाइट फॉर्म में रहती है। पैरासाइट फॉर्म में रहने का मतलब ये है कि वो किसी की बॉडी के अंदर रहती है और मे बी वो क्या कर सकती है, वो डिजीज पैदा कर सकती है। तो जो एंट अमीबा जो होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये क्या करता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ह्यूमंस के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत जिसको हम बोलते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहकर करता क्या है, वो लार्ज इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स होती है उनके ऊपर वाउंड्स क्रिएट करता है और एक डिजीज पैदा करता है जिसको हम बोलते हैं अमीबियसिस या अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर बहुत सारे वाउंड्स हो जाते हैं, वाउंड्स हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, ढंग से वो लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन नहीं कर पाएगी, पेट दर्द होगा, ठीक है ना, जो स्टूल बाहर निकलेगा उसके साथ जो होंगे वो ब्लड के छोटे छोटे क्लॉट्स भी बाहर निकलेंगे, क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन में तो वाउंड्स हो रखे हैं, ठीक है ना, पेट दर्द होता है, ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, वाउंड्स हो गए और जो स्टूल होता है उसके साथ ब्लड के क्लॉट्स आना, प्लस एक्सेस म्यूकस का आना, ठीक है ना, एक्सेस चिपचिपा सब्सटेंस आता है, म्यूकस आता है, वो सारी चीजें जो होती है वो अमीबिक डिसेंट्री के क्या होता है, सिम्टम्स होते हैं। तो कुछ पैरासाइट्स के फॉर्म में भी रहते हैं। तो ये थे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। देखिए बात करते हैं हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो किसकी हेल्प से मूव करेंगे, फ्लैजिला की हेल्प से मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम जो है वो है ट्रिपैनोसोमा का, और ये जो ट्रिपैनोसोमा होता है इसके ऊपर देखो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये है फ्लैजिलम, फ्लैजिलम सिंगल होता है ना तो फ्लैजिलम बोलते हैं, और मल्टीपल होते हैं तो फ्लैजिला कह देते हैं ना। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो होते हैं वो किसकी हेल्प से चलते हैं, फ्लैजिला की हेल्प से चलते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और द पैरासाइट, यानी कि इसके जो भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं या तो वो फ्री लिविंग मिलते हैं नेचर के अंदर और या वो किसी के ऊपर पैरासाइटिक फॉर्म में मिल सकते हैं। ओके, दे हैव अ फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, उनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए। The parasitic forms cause disease such as a sleeping sickness. ये बोलता है इनके जो parasitic form जो होती है वो क्या करती है, sleeping sickness disease cause कर सकती है। इस disease में पता है क्या होता है, ये disease जो होती है ये होता है trypanosoma, इससे ये देखो ये trypanosoma है, कुछ नहीं है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ये, ठीक है ना। ये trypanosoma जो होता है वो हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको अफेक्ट करता है, यानी हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसको अफेक्ट करता है और ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज पैदा करता है। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज का क्या मतलब है सर, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज का मतलब होता है उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा नींद आती है, ठीक है ना, तो वो स्लीपिंग सिकनेस होती है और वो कौन करता है, ट्रायपैनोसोमा जो है वो करता है। ये डायग्राम ट्रायपैनोसोमा का ही बनाया है मैंने, ठीक है, यही स्लीपिंग डिजीज जो है या स्लीपिंग सिकनेस जो है वो पैदा करता है। इसी का एक और नाम जो होता है इसी को हम बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज, ठीक है ना, अफ्रीकन डिजीज बोलते हैं क्योंकि ये जनरली अफ्रीका के पर्सन्स में देखी जाती है। इसको फैलाने के लिए, ये फ्री लिविंग नहीं होता, ट्रिपैनोसोमा फ्री लिविंग नहीं होता, इसको फैलाने के लिए हमें एक वेक्टर की जरूरत होती है और उस वेक्टर का नाम होता है सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई। जो सीसी फ्लाई जो होती है, जब ये सीसी फ्लाई किसी ह्यूमन को बाइट करती है, उसको काटती है और उसका ब्लड सक करती है, तो ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये ब्लड में चला जाता है और ब्लड से होके वहां पर चला जाता है ब्रेन के अंदर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर चला जाता है और स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। करेक्ट, ठीक है ना, ये उसकी वेक्टर है, सीसी फ्लाई जो होती है वो उसकी वेक्टर होती है। सर वेक्टर का क्या मतलब होता है, वेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा इंसेक्ट है जो किसी डिजीज कॉजिंग एजेंट को आगे ट्रांसमिट कर रहा है या आगे फैला रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो उसको हम एज अ वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, चलने के लिए इसके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। करेक्ट, इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर सीलिएटेड प्रोटोजोन की।
सीलिएटेड प्रोटोजोन जो होता है वो किसकी हेल्प से चलेंगे, सीलिया की हेल्प से चलेंगे। सर सीलिया क्या होते हैं, सीलिया जो होते हैं वो कुछ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये देखो ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये सीलिया है, ये सीलिया होते हैं, इनकी हेल्प से चलते हैं, ठीक है। दीज आर एक्वेटिक एंड एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, जनरली क्या होता है पानी में होते हैं और एक्टिवली मूव करते हैं, ओके। These organisms, because they are the presence of thousands of cilia, क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर क्या होता है बहुत सारे क्या होता है cilia होते हैं। ये cilia जो होते हैं वो movement में help कैसे करते हैं, देखिए देखो आपको ने देखा होगा कि जो नाव की रेस देखी आपने, बोट रेस देखी होगी, जैसे ये पैरामीशियम है, जो पीछे डायग्राम जो है वो पैरामीशियम का बनाया हुआ है, ये ऐसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, cilia है, करेक्ट, सीलिया है। अब ये कैसे चलने में हेल्प करेंगे, सुनना ध्यान से, आपने ना बोट रेस तो देखी होगी, बोट रेस में क्या होता है, देखो एक लंबी सी बोट होती है ऐसे, उसमें क्या होता है 8-10 लोग बैठ जाते हैं और 8-10 लोग बैठ करके क्या करते हैं, ये इनके पास जो स्ट्रक्चर्स होती है वुडन स्ट्रक्चर्स होती है, इनकी हेल्प से क्या होता है ये पानी के अंदर उसको चलाते हैं। जब क्या होता है, जब ये पानी के अंदर चलते हैं तो उसके बाद नाव जो होती है वो आगे बढ़ती है। तो एग्जैक्टली सेम ये सीलिया जो होते हैं जब इनको पानी में चलना होता है तो वो यू मूव करते हैं। जब सीलिया मूव करेंगे तो क्या होगा, जो सेल है वो आगे बढ़ेगी। इसके अलावा ये सीलिया जो होते हैं वो और क्या काम करते हैं, सीलिया जो होते हैं वो जो सराउंडिंग फ्लूइड होता है, क्यों, क्योंकि सर ये पानी में होते हैं, सीधी सी बात है पानी में होगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, फ्लूइड होगा। तो अगर ये सीलिया मूव करते हैं तो बाहर का जो सराउंडिंग फ्लूइड होता है वो भी मूव करता है। तो सीलिया जो होते हैं वो दो काम में हेल्प करते हैं, नंबर फर्स्ट सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, नंबर सेकंड वो सराउंडिंग फ्लूइड जो होता है उसके मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ध्यान रखना, देखो इफ हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, यानी इनके पास क्या होता है एक स्पेशल जगह होती है, उस जगह को क्या बोलते हैं, गलेट कहते हैं। ये गलेट वो जगह होती है जहां से ये जो पैरामीशियम होता है या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आगे की तरफ क्या करते हैं, बाहर की तरफ क्या होता है, इनका मुंह जो होता है वो खुलता है और यहां से वो फूड जो होता है वो इनटेक करता है। अगर बाहर से कोई फूड जो है वो लेना हो किसी को, बाहर से अगर कोई फूड लेना हो, ये गलट से होकर के अंदर जाएगा और गलट से होकर के जैसे ही अंदर जाएगा ये बॉडी के अंदर एक छोटे से पैकेट में पैक हो जाता है, पता है, इसे छोटे से पैकेट में पैक हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल में पैक हो जाता है और ये फूड वैक्यूल में क्या हो जाएगा, इस फूड का डाइजेशन हो जाएगा। तो गलेट वो स्पेशल जगह है, अमीबा जो होता है ना, अमीबा आपने देखा है ना, अमीबा जो होता है वो कहीं से भी फूड इंटेक कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन पैरामीशियम जो होता है इसके पास एक स्पेशल जगह होती है, ठीक है ना, ये कैविटी होती है जिसको गलेट बोलते हैं, वहीं से ये फूड इंटेक कर सकता है, हर कहीं से फूड इंटेक नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये भी सिंगल सेल वाला ही है, ध्यान रखना, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही है पैरामीशियम। उसके बाद ये बोलते हैं द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉस ऑफ सीलिया कॉजेस द वाटर लैडन विद द फूड बी दस ट्रीटेड इनटू द गलेट। ये बोलता है कि यहाँ पे जो सीलिया होता है ना, इनका जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है वो हेल्प करता है किसी भी फूड पार्टिकल को इनटेक करने में पैरामीशियम के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले ये तो बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, देखो कि जैसे मान लो ये फूड पार्टिकल है तो यहां पर क्या होगा, जो सीलिया होंगे वो यू मूव करेंगे, इधर वाले सीलिया ऐसे मूव करेंगे, तो क्या होगा, सराउंडिंग फ्लूइड जो होता है वो मूव करेगा और सराउंडिंग फ्लूइड मूव करते 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 ये गलेट की तरफ चला जाएगा। सराउंडिंग फ्लूइड जब मूव करेगा तो उसके अंदर फूड पार्टिकल जो होगा धीरे धीरे गलेट की तरफ चला जाता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है ना, ये सीलिएटेड प्रोटोजोन है। और इसी के साथ जो अपने फर्स्ट स्लाइड पर देखा था वर्टिसेला, जो वर्टिसेला होता है वो भी क्या होता है, इसी पैरामीशियम का ही एक ग्रुप मेंबर है, ठीक है, पैरामीशियम के साथ का ही एक मेंबर है वर्टिसेला, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो ऐसे रिंग लाइक होती है, अभी देखिए ना, यू ऐसे रिंग रिंग लाइक नहीं तो मैं बेल लाइक कह देता हूँ, बेल लाइक होती है शेप इसकी, ऐसे बेल लाइक होती है, और इसके अंदर सीलिया जो होता है वो यहाँ नीचे की तरफ पाए जाते हैं, तो बेल लाइक शेप हो सकती है वर्टिसेला की। उसके बाद देखिए लास्ट आता है फोर्थ स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स जो होते हैं ना, इनके लिए मोटाइल स्ट्रक्चर जो होती है वो नहीं होती। हमने देखा था कि तीन तरह के मूवमेंट देखे थे, या तो स्यूडोपोडिया बनाने वाले देखे थे, नंबर सेकंड फ्लैजिला की हेल्प से मूवमेंट करने वाले देखे थे, थर्ड अभी देखे अपनों ने सीलिया की हेल्प से मूव करने वाले।
ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, ये मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं रखते, ठीक है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, या तो क्रिपिंग मूवमेंट होता है, यानी खिसकते हैं ये थोड़ा थोड़ा, और या फिर बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं जैसे ब्लड है, उसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। करेक्ट। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इंफेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, इनकी जो शेप होती है ना, वो चेंज होती रहती है। कई सारी शेप्स मिलती है इनके पूरे लाइफ साइकिल के अंदर, ये अपनी अलग अलग शेप जो होती है ना, वो चेंज करते रहते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक शेप की बात करते हैं जिसमें ये बोलते हैं कि स्पोर लाइक स्टेज। स्पोर लाइक स्टेज जो होती है वो सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस होती है। उस स्टेज के अंदर क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म से या एक एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है ना। इसका उदाहरण है देखो प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, आप में से सब लोग जो होते हैं ना, मोस्टली लोग जो है वो ये बोलते होंगे कि सर मलेरिया डिजीज जो होती है वो किससे होती है, तो आप सब लोगों में से मोस्टली ये लोग बोलेंगे सर मच्छर से होती है। अरे मच्छर जो होती है ना, वो तो उस मलेरिया डिजीज को आगे फैलाने का काम करती है, लेकिन जो वास्तव में मलेरिया का कॉजिंग एजेंट जो है वो ये प्लाज्मोडियम होता है। ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये मच्छर की यानी मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और वो मॉस्किटो भी कैसी, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती है उसकी सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है ये। और जब वो मच्छर हमें काटती है, तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है। जब ये हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया पैदा करता है। और वो स्टेज जिससे कि उस स्टेज में वो मॉस्किटो से हमारे बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर एंटर करता है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ये स्पोरोजॉइट स्टेज होती है। और उसी स्टेज में क्या होता है, ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और ये स्ट्रक्चर स्पोर लाइक ही है, ठीक है ना। इसको स्पोरोजॉइट बोलते हैं, इस स्टेज को स्पोरोजॉइट बोलते हैं। द मोस्ट नोटोरियस इज अ प्लाज्मोडियम विच इज कॉल्ड मैलेरियल पैरासाइट। मोस्ट नोटोरियस का मतलब होता है बहुत बदनाम, ठीक है ना, बहुत बदनाम, जो इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम है जो कि मैलेरियल पैरासाइट है। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, विच कॉजेस मलेरिया, अ डिजीज विच हैज अ स्ट्रेगनिंग इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये बोलता है कि इसने बहुत सालों से मलेरिया पैदा करके ह्यूमन की पॉपुलेशन के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट डाला है, ठीक है ना। कई सालों से जो है वो इंसान जो है इस मलेरिया डिजीज से लड़ता हुआ आ रहा है। तो ये है, तो इनके अंदर क्या होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर देख लो आप, कहीं पर भी नहीं है, ये कुछ नहीं, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऊपर की तरफ गॉल्जी एपरेटस दिखा रखा है, तो चीजें सारी होती है इनके अंदर, बस ये सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल यूकैरियोटिक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खत्म होता है प्रोटोजोन्स। तो अपनों ने क्या किया, जो प्रोटिस्टा है उसके पांचों के पांचों मेंबर्स जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले देखे थे अपनों ने क्राइसोफाइट्स, सेकंड देखे थे डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरे देखे थे यूगलिनर्ट्स। ये तीनों जो हैं वो प्लांट लाइक बिहेवियर दिखा रहे थे। उसके बाद देखा था अपनों ने स्लाइम मोल्ड्स जो कि फंगस लाइक बिहेवियर दिखा रहे थे। उसके बाद अपनों ने देखा कौन, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो एनिमल लाइक बिहेवियर दिखाते हैं। और प्रोटोजोन्स के भी आगे क्या होती है, चार कैटेगरीज होती है। किस बेस पर होती है, उनके मोटाइल स्ट्रक्चर्स के बेस पर, ठीक है। उसके अंदर क्या दिखा था अपनों ने, मोटाइल स्ट्रक्चर के बेस पर चार कैटेगरीज में सबसे पहली देखी थी अपनों ने अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। उसके बाद देखे थे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, उसके बाद देखे सीलेटेड प्रोटोजोन्स, और उसके बाद आते हैं स्पोरोजोन्स। तो चार कैटेगरीज दिखाई दी थी। इसी के साथ यहां पर प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो खत्म होता है।